इस क्वेश्चंस को देखो आप. फॉर ए हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय दिस, ठीक है, ये रिप्रेजेंट हो रही है और हमें दिया गया है भाई 3A, C और D में चेंज हो रहा है. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर नॉन, और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी गई है कि T इक्वल टू जीरो पे, ये T इक्वल टू जीरो है, ओनली वन मोल ऑफ A प्रेजेंट, इसका A मोल प्रेजेंट है और वेपर डेंसिटी इतनी दी गई है, ठीक है. T इक्वल टू 30 पर गैसेस मिक्सचर है और वेपर डेंसिटी पूछा जा रहा है, पूछ लेंगे देख लेंगे आगे, पूछा जा रहा है या दिया जा रहा है वो हम देखते हैं, दिया जा रहा है, ठीक है. तो मॉलिकुलर मास हमसे पूछा जा रहा है 200 मोलर मास ऑफ सी दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हमारे को 75 फी दिया है ना, तो ये हमारे पास है कंप्लीट क्वेश्चंस. तो करिए इसको कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले तो मोलर वेट ऑफ ए एंड डी बहुत आसान है, ध्यान से सुनना. मैंने कौन सा रूल लगाया? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन. इसके एक मोल का मास, सॉरी, इसके तीन मोल का मास इसके एक एक मोल के बराबर होगा, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय, उससे पहले भी मेरे को एक और चीज करना पड़ेगा. वेपर डेंसिटी शुरुआत में क्या दी गई है? 60, और शुरुआत में सिर्फ ए है, तो भले वो एक मोल हो, दो मोल हो, तीन मोल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मोलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2. तो मोलर मास ऑफ ए ही आएगा इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 120. बोलो यस और नो. तो आपके पास कितने हो गए? 120 ग्राम आपके पास आ चुका है मोलर मास किसका? ए का. अब किसका निकालना है? सी का दिया हुआ है, डी का निकालना है. लेकिन एक और बात मालूम है मुझे, बाय मास कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या मालूम है इसमें? कि इसके तीन मोल का मास, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 120, इसके एक मोल, इसके एक मोल का मास 200, और इसके एक मोल के मास के समेशन के इक्वल होगा मोलर वेट ऑफ डी. तो आप बता सकते हो मोलर वेट ऑफ डी कितना होगा? 160. तो इससे मैंने कैलकुलेशन करा, मॉलिकुलर वेट ऑफ डी कितना आ रहा है? 160. तो मेरा पहला वाला काम हो गया. अब उसने कहा है 30 मिनट पर, यानी इस जगह जब वेपर डेंसिटी 75 दी गई है, तो सबका कंपोजिशन क्या होगा? यानी इंडिविजुअली हर एक स्पीशीज का के कितने कितने मोल होंगे. तो आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है. थ्राइस ए कन्वर्ट बी प्लस सी, कितने मोल दिए गए? 1, शुरुआत में बोला है ना उसने 1 मोल, 0 0. मान लो इसके एक्स मोल खत्म हुए, तो इसके कितने बनेंगे? एक्स बाई 3, और इसके कितने बनेंगे? एक्स बाई 3. बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे ना, श्योर, पक्का, क्योंकि इसके एक्स खत्म होते एक्स बाई 3. और एवरेज मोलर मास मिक्सचर का क्या होगा? वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाई बाय 2. ये है मिक्सचर का मोलर मास, यानी कि एवरेज मोलर मास. और एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं? टोटल मास अपॉन टोटल मोल. टोटल मोल कितने हैं जल्दी से बताओ? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 3 प्लस एक्स बाई 3, टोटल मास अपॉन टोटल मोल. और टोटल मास क्या है? शुरुआत में मास कितना था? एक मोल का, एक मोल थे शुरुआत में, कितना था? 120. अभी कभी भी देख लो 120 ही रहेगा, मास कंजर्व रहता है. फिर मैंने मास कंजर्व लगा दिया, मास नेवर चेंज इन केमिकल रिएक्शन, तो क्या रहेगा? 120. आप जानते हो मोलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज मोलर वेट, टोटल मास अपॉन टोटल मोल. अगर किसी रिएक्शन में मोल कम हो रहे हैं तो एवरेज मोलर मास बढ़ेगा, और मोल बढ़ रहे हैं तो एवरेज मोलर मास कम होगा. और कांस्टेंट है तो एवरेज मोलर मास भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मास तो कभी चेंज हो नहीं सकता. तो इसके अंदर 3 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो एवरेज मोलर मास क्या होगा? बढ़ेगा.
इसीलिए पहले वेपर डेंसिटी 60 थी, अब कितनी हो गई 75, बढ़ेगी धीरे धीरे। तो क्या आप एक्स निकाल सकते हो? एक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कितना था ये? 150, 1200, सॉरी 120, 1 माइनस एक्स बाई 3 बचेगा, 0 0, 3 से काटा 4, 5, तो 1 माइनस एक्स बाई 3 की वैल्यू कितनी है? 4/5। तो ये उस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा 1/5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपको बताओ जल्दी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 5/3 या 3/5। ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो 1/5 बचेगा, 1/5 तो 3/5 रहेगी। सही है? कोई डाउट? तो आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है? 3/5। एक्स की वैल्यू हमेशा एक से कम होगी, वैसे भी 5/3 तो आ नहीं सकती। तो इंडिविजुअली सबके मोल कितने होंगे? इसके होंगे 2/5, 1/5, 1/5, और एक्स की वैल्यू 1/5, 3/5 निकालिए। सही कह रहे हो। तो क्या सही है आंसर? अब क्या पूछा जा रहा है? मोल्स ऑफ ईच स्पेसिस। आ गया आंसर आपका, ठीक है, लिखें, करें, चेक करें इसको।